हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के बाल स्कूल में चल रहे अस्थायी कैंपस में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने एचपीटीयू का घेराव किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर ने रजिस्ट्रार ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अव्यवस्थाओं को न सुधारने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को अस्थायी कैंपस में ताला जड़ने की भी चेतावनी दे डाली। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के बाल स्कूल में चल रहे अस्थायी कैंपस में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने एचपीटीयू का घेराव किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर ने रजिस्ट्रार ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अव्यवस्थाओं को न सुधारने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को अस्थायी कैंपस में ताला जड़ने की भी चेतावनी दे डाली। छात्रों का कहना था कि अस्थायी कैंपस में बैठने के लिए न कुर्सियां हैं न ही पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड है। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि बाल स्कूल में महज 4 ही कमरे अस्थायी तौर पर इन छात्रों को पढ़ाई के लिए दिए गए हैं, जहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरह हावी हैं। छात्रों की संख्या इतनी है कि इन 4 कमरों में पढ़ाई करना मुश्किल है। पूर्व में भी विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कक्षाओं को एक नए कैंपस में शिफ्ट करने की मांग की थी। इसके लिए भी उस दौरान परिषद ने विश्वविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। अब जबकि बाल स्कूल हमीरपुर में बच्चों की परीक्षाएं सिर पर हैं, तो अस्थायी कैंपस में कक्षाएं लगाने से यहां पढ़ रहे स्कूली बच्चों की परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी। इकाई अध्यक्ष सूर्य जरियाल का कहना है कि बाल स्कूल में अस्थायी तौर पर चल रहे कैंपस में अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ ना तो बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियां हैं और न ही पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड। उन्होंने कहा कि ये कैसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर छात्रों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों की इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करेगा तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। इसके साथ ही पूर्व की भांति छात्र विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस पर विरोध स्वरूप ताला जड़ देंगे और धरना प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। मेरा नाम सूरज जरियाल है, इकाई अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय इकाई हमीरपुर। जैसे कि आप देख रहे हैं आज जो ये प्रदर्शन है, आज का जो प्रदर्शन है रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये इसलिए कि जो आज जो हमारी क्लासें लगती हैं बॉयज स्कूल में, वो किसी कारणवश जो जैसे कि स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि पेपरों के कारण जो है हमारी क्लासें वहाँ नहीं लग सकती हैं, तो हमें जो है उन्होंने 4 क्लासें दी हैं जिसमें छात्रों को बैठने के लिए भी सुविधाएँ नहीं है। और तो उसी उन्हीं मांगों को लेकर आज हमें यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है धरना कर रहे हैं। पर आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी नहीं है और पूरी यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है जिससे हम बात कर सकें, और रजिस्ट्रार साहब भी तब से गायब हैं। और इस प्रदर्शन को लेकर और हमारी मांगों को लेकर अभी तक वो कोई भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की और अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। उसी को लेकर हम ये सभी छात्र यहाँ आज रजिस्ट्रार ऑफिस में इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी रहा तो आज हम जो हमने पहले भी यूनिवर्सिटी को बाहर ताला बंद कर दिया और ताला लगा दिया है, अगर ऐसे हुआ तो हम कल भी इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी डिमांड जो है पूरी नहीं होगी। जब तक छात्रों को बैठने के लिए क्लासें नहीं मिलेंगी ये ऐसे ही प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर क्लासें नहीं होंगी तो छात्र क्लासें कहाँ लगाएगा। आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, आपको अगर छात्रों को बैठने के लिए आप क्लासेज नहीं दे सकते, उनको पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं दे सकते, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे सकते, आप क्या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं।